जय हिंद। पेंशन भोगियों, वन रैंक वन पेंशन, ओ आर ओपी पर लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ चुका है, ओ आर ओपी टू का। जैसे कि आपको पता है कि पीआईबी का पहले टेबल जारी हुआ था और अब एमओडी ने जारी किया है टोटल 250 पेजों में टोटल 121 टेबल, जिसमें सबसे बेहतरीन हम आपको न्यूज देने वाले हैं ओ आर ओपी के रिगार्डिंग। वन रैंक वन पेंशन जैसी न्यूज आपको सबसे पहले चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। वन रैंक वन पेंशन पे सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खबर हमारे बीच आ चुकी है। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टेबल में कोई करेक्शन होना मुश्किल है। अब जो होगा अगले पे कमीशन में ही होगा। ओआरओपी का मतलब ही था, जैसे कि आपको पता है कि ओआरओपी का टेबल तकरीबन पूरे ट्रेड का, पूरे ट्रेड वाइज मतलब कि रैंक वाइज अपलोड हो चुका है सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगियों को। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं, काफी जानकारी दूंगा और वो भी छोटी सी वीडियो में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं ओआरओपी के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं ओआरओपी में तमाम जो हमारे मिलिट्री वेटरनर्स है जो ओआरओपी का वेट कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन और अपडेट दूंगा। साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वन रैंक वन पेंशन मतलब ओआरओपी, ओआर और जेसीओ को संपूर्ण फायदा देखो। कैसे देखो? तो ओआरओपी टू क्या बेस ईयर माना गया है, जो आपकी कमेंट से मैंने उठाया, जो आपका कमेंट रहता है कि सर मेरा बेस ईयर क्या रहेगा, तो 2018 बेस ईयर रहेगा। आर्मी नेवी एयरफोर्स डीएससी इसका फायदा उठाने जा रहे हैं सभी का, इसमें टेबल है, टोटल टेबल 121 है। ओआरओपी एरियर 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा। जो आपकी विसंगतियां हैं या आपकी जो डाउट्स हैं उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। फुल ओआरओपी एरियर डीए प्लस डीआर के साथ बढ़ोतरी हो चुकी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाला ध्यान रखना है कि फैमिली पेंशन और गैलेंट्री पेंशनर को सिंगल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा, सिंगल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। ध्यान रखें, फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री पेंशनर को सिंगल इंस्टॉलमेंट में यहां पे देना होगा। चलिए आइए और कुछ तथ्य जो ओआरओपी में देखना चाहिए जो हमारे पेंशन भोगियों को बता दें कि टेबल नंबर 7 में काफी हमें एक निराशाजनक महसूस हुआ जब हमने देखा हवलदार का 22,600 करके कुछ जो अमाउंट मिल रहा है एरियर, जो कि बहुत ही ठीक नहीं लगा। जो कि हमारे हवलदार होते हैं वो एक मजबूत होते हैं, जो बहुत जिम्मेवारी लेते हैं, जिनका काम सर्विलेंस करना है और काफी स्टोरमैन का चार्ज और काफी चार्ज से जाने जाते हैं, कमांडर के हक पे जाने जाते हैं, और उनका एरियर के साथ यहाँ पे बता दें आपको दिखा देते हैं। तो हम टेबल नंबर 7 में आपको दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी ये हवलदार लोग के साथ नाइंसाफी हुई है। इनको इतना कम एरियर देके हमारे पेंशन भोगी व पेंशन धारक ना खुश हैं। हवलदार खासकर जितने हमारे हवलदार हैं, जो हमारे बैकबोन माने जाते हैं इंडियन आर्मी के, हवलदार के हाथ में बहुत पावर और बहुत ही जिम्मेवारी होती है। उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे हवलदार 16 साल का हो, चाहे 19 साल का हो, चाहे 22 साल का हो, 26 साल का, अगर आप हवलदार का देखेंगे तो हवलदार का आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी वीडियो के माध्यम से, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास 2 टेबल है, टेबल नंबर 7 और टेबल ये, जिसमें मैं आपको हवलदार रैंक का दिखाता हूं। हवलदार एंड इक्विवेलेंट देख सकते हैं यहां पे, हवलदार का तकरीबन 27 और 26 के बीच में ही एरिया, ज्यादा फर्क नहीं रखा गया है। आप देख रहे हो हवलदार जो है हमारे इंडियन आर्मी के, उनको यहाँ पे ज्यादा कुछ फायदा देखने को नहीं मिला, वहीं जैसे उसको भी ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिला है। अब जो ये डाउट्स आपके आ रहे हैं कि सर जो भी आपका पेमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा, तो पेमेंट की बात करूं मैं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि टेबल कब जारी होगा, मैं आपको पेमेंट भी बता रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक सुने। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करें। देखिए मैं बता दूं कि फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के पहले वीक में आपको पहली किस्त का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक फिर से सुने कि फरवरी के लास्ट वीक में और जनवरी मार्च के फर्स्ट वीक में आपको जरूर से जरूर केंद्र एक तोहफा देगी जिसमें आपका भुगतान हो जाएगा। तमाम जानकारी को सुनते रहें, ऐसे हमारे साथ बरकरार रहते रहें। जय हिंद, जय भारत।